हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल गुप्ता आपका टीचर कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का उसका यूनिट नंबर टू सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जिसका चैप्टर नंबर तीन हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स को कंटिन्यू करने जा रहा हूं जिसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स की बात करेंगे टॉपिक क्या है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन जर्नरल मीटिंग का ठीक है बचो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ ऑल कंपनीज इन कॉरपोरेटेड अंडर द एक्ट एक्सेप्ट मतलब वन परसन कंपनी के अलावा यह रूल सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा एंड क्लास क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनीज विच आर एग्जेप्टेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन ठीक है बच्चो तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या हैं इस मीटिंग्स को लेके पहला है कन्वीनिंग मीटिंग मीटिंग कैसे कन्वीन करनी है किस तरीके से बुलाई जाएगी कौन सी अथॉरिटी है जो मीटिंग को बुला सकती है किसके पास मतलब वो अथॉरिटी होगी अ जर्नरल मीटिंग शुड बी कन्वीनड ऑन द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द बोर्ड ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड और ऑन द रेकोजिशन ऑफ द मेंबर्स शुड ईधर एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कन्वीन और ऑथोराइज द कवरिंग ऑफ जनरल मीटिंग ठीक है बच्चों, चले, अब हम आगे बढ़ते हैं इफ अ रेकोजिशन हैज बीन मेड इन दिस बिहाफ द बोर्ड फेल्स टू कॉल अ मीटिंग द रेकोजिशनिस्ट मीटिंग ठीक है बच्चो अगर जिसको मीटिंग बुलाने के लिए कहा गया है वो बोर्ड मीटिंग नहीं बुला पा रहा है तो रेकोजिश जिसने रिक्वेस्ट की है रेकोजिशन re डाली है मीटिंग के लिए वो खुद भी मीटिंग को कॉल कर सकते हैं मीटिंग्स इन द सेम मैनर एज नियरली एज पॉसिबल एज दैट इन विच मीटिंग आर टू बी कॉल्ड बाई द बोर्ड इफ ऑन रेकोजिशन है बोर्ड फेल्स टू कॉल अ मीटिंग द रेकोजिशनिस्ट may themselves call the meeting in the same manner as nearly as possible as that in which meetings are called up by the board. so notice in writing of every meeting should be given to every member of the company. such notice should also be given to the directors and auditors of the company, to the practicing company secretary who has been given compliance certificate that is secretarial auditor to the debenture trustee if any and whenever applicable or so required to other specified recipient okay Chalo, hum aage discuss karte in case of companies having a website the notice shall be hosted on the website notice should be given on the hand or by post and should also be प्लेस्ड ऑन दैबसाइट कंपनी की वेबसाइट पर होना चाहिए अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है ठीक है बच्चे और द नोटिस शुड स्पेसिफाई द डे डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग विद कंप्लीट एड्रेस द नोटिस शुड क्लियरली स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द मीटिंग एंड द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड देयर टू So, notice and accompanying document should be sent at least 21 clear days in the advance of the meeting. Notice and, and accompanying documents may be given at a shorter period of time if consent in writing in the physical and electronic form is given there to by in the case of an AGM, but not less than 95% of the paid-up share capital carrying voting rights or where. कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल नाइंटी फाइव परसेंट ऑफ द में टोटल वोटिंग पार ठीक है बच्चे और नो बिजनेस शुड बी ट्रांड एट दीटिंग इन अकॉर्डेंस नॉट बीन गिवन ठीक है जी अगर नोटिस के हिसाब से मीटिंग कंडक्ट नहीं हो रही स्टैंडर्ड के हिसाब से तो वो मीटिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी ठीक है कोई बिजनेस उसमें ट्रांजेक्ट नहीं किया जाएगा ए नो आइटम ऑफ बिजनेस ओवर जो मीटिंग जिस परपज के लिए बुलाएगी है, सिर्फ वही बिजनेस ट्रांजेक्ट किया जाएगा वही बिजनेसिडर किया जाएगा बाकी और कोई काम या कोई भी और निर्णय उसमें नहीं डिस्कस होगा ना ही लिया जाएगा निर्णय ठीक है बच्चे चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं द नोटिस शुड बी अकम्पन बाय एन अटेंडेंस स्लिप एंड अप्रोक्सी फॉर्म विद Clear instructions for filing, stamping, signing, and depositing the proxy form. A meeting convened upon due notice should be postponed or cancelled. Frequency of meeting. Kya hogi? AGM. Bala, for every company, should in each year hold a meeting called the AGM. EGM. Extraordinary general meeting. इटम्स ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिरी बिजनेस मे बी कंसिडर्ड एट दी एम और बाइ मीन ऑफ द पोस्टल बैल इफ दि बाय दिस्कस करेंगे अब कोरम कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग कोरम का मतलब समझते हो ना आप मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड प्रेजेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग a duly authorized representative of a body corporate or the representative of the president of india or the government of state is deemed to be a member personally present and enjoy all rights of a member present in person members who have voted by remote e-voting having the right to attend the gm and accordingly their presence shall be counted for the purpose of quorum. A member who is not entitled to vote or any particular item of business being a related party being a related party if present shall be counted for the purpose of the quorum. and the stipulation regarding the presence of the quorum doesn't apply with respect of the items of the business transacted through postal ballot. so Joe postal ballot ke through, अपना डिसीजन भेज रहे हैं किसी बिजनेस के लिए उनके लिए कोरम को काउंट करना जरूरी नहीं है ठीक है बच्चों तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में तब तक हैप्पी लर्निंग